फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शुगर ए किस पाउडर लिपस्टिक का रिव्यू। इसका जो शेड है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, बिकॉज मैं जब भी कोई न्यू लिपस्टिक बाय करती हूँ तो मुझे होता है कि उसका जो शेड है मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दूँ। सो शेड मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे ये जो लिपस्टिक है किस तरह की लगी और आपको ये लिपस्टिक बाय करनी चाहिए या फिर नहीं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल पर चल रहा है गिवअवे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप भी इस गिवअवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो को देखकर उसके रूल्स फॉलो करके आप गिवअवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो में रहेंगे दो कोड्स जिनको आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने बाय की है ये लिपस्टिक जो कि है शुगर की एयर किस पाउडर लिपस्टिक। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। इसमें टोटल 5 शेड्स लॉन्च हुए हैं और मैंने जो शेड बाय किया है वो 03। इसकी एमआरपी 499 रुपीस है, लेकिन इस पे फ्रेंड्स आपको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलता। ये इनका न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है। हो सकता है कि आपको इनकी वेबसाइट से कुछ ऑफ मिल जाए या फिर कुछ फ्री प्रोडक्ट साथ में मिल जाए, लेकिन अदर साइट्स पे मैंने देखा कि कुछ भी ऑफ नहीं था और मुझे ये 499 रुपीस की ही मिली है। साथ ही इसकी जो क्वांटिटी आपको मिल जाती है वो है 2 ग्राम। और फ्रेंड्स, ये मेड इन PRC प्रोडक्ट है। इसके ऊपर ही इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है और साथ ही ये 100% वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। तो चलिए मैं आपको इसकी इनर पैकेजिंग भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी इनर पैकेजिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे शुगर मेंशन है, साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे इसका शेड नंबर भी मेंशन है जो कि है 03। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पाउडर फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स, ये मैं कहूंगी कि फर्स्ट लिपस्टिक है जो कि पाउडर फॉर्म में आई है, और पाउडर फॉर्म में होने के कारण मुझे लगता है कि ये जो लिपस्टिक है काफी ज्यादा वेस्ट भी होती है, बिकॉज जब आप पाउडर को इस तरह से निकालते हैं तो भी फ्रेंड्स ये हल्का फुल्का आपका हवा में भी उड़ता है और मैं कहूंगी गिरता भी है। बिकॉज मैंने जितनी बार भी ये लिपस्टिक अप्लाई की है तो ये जो लिपस्टिक है ये हमेशा थोड़ी ना थोड़ी जैसे गिर जाती है, यहाँ से गिर जाती है या फिर यहाँ से गिर जाती है। और इसका शेड मैं आपको अप्लाई करके दिखाना चाहूंगी कि मैंने इस शेड को किस तरह से अप्लाई किया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको इसका एप्लीकेटर दिखाना चाहूँगी। इसका एप्लीकेटर इस तरह से आता है। लिपस्टिक ये जो है काफ़ी लाइट वेट है, लिप्स पे बिल्कुल भी फील नहीं होती, लेकिन इसे अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स आपके लिप्स जो हैं वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप जब भी इसे अप्लाई करें तो अपने लिप बाम ज़रूर अप्लाई कर लें। साथ ही फ्रेंड्स, इसकी जो पिगमेंटेशन है वो आपको बनानी पड़ती है। जितनी लिपस्टिक आपने अपने एप्लीकेटर में ली है वन टाइम में, आप उतनी ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से इसे डिप करना पड़ेगा और जितना पाउडर इस लिपस्टिक के एप्लीकेटर में आएगा आपको फिर से उसे अप्लाई करना होगा। एंड ये जो शेड है ये मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा शेड है। और यहाँ पे ये भी मेंशन था कि आप इसे चीक टिंट और आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स मैंने इसे अभी तक यूज़ करके नहीं देखा। सो हमारे गिव अवे का आज का पहला कोड रहेगा शेड नंबर 03। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने इस शेड को किस तरह से अप्लाई किया है और मुझे इसका जो शेड है काफ़ी पसंद आया है। ये एक ब्राउन शेड है फ्रेंड्स। ये इसे मैं न्यूड नहीं कहूंगी बिकॉज मैंने आज तक कोई भी ब्राउन शेड अप्लाई नहीं किया था। इससे पहले मैंने मेबलिन की लिपस्टिक अप्लाई की है जो कि न्यूड नुआंस है, और उसका भी शेड मुझे काफ़ी पसंद आया है। और आप देख सकते हैं ये कहीं से भी आपको न्यूड तो नहीं लग रही होगी, ये एक डार्क ब्राउन शेड में कन्वर्ट हो जाती है। आप जितने कोड्स अप्लाई करेंगे ये उतनी ही डार्क होती जाती है। साथ ही फ्रेंड्स, इस लिपस्टिक का जो शेड है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है, लेकिन इसकी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं कहूँगी कि मुझे पसंद नहीं आई। तो पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि इसकी जो पाउडर फॉर्म है आप जब भी अप्लाई करते हैं तो वेस्ट होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो लिपस्टिक है आपकी वेस्ट होती है। ये हवा में भी थोड़ा सा पाउडर इसको उड़ता है और गिरता भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी। सेकेंड फ्रेंड्स, ये है कि ये जो लिपस्टिक है ये आप अपने लिप्स के इनर कॉर्नर में अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जब भी आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपकी टंग के साथ ही ये आपकी बॉडी में भी जाती है, जो कि मैं समझती हूँ कि एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। सो इस लिपस्टिक की ये जो सेकेंड बात है वो भी मुझे पसंद नहीं आई, और इसका टेस्ट भी आपको हल्का हल्का सा आता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप इस लिपस्टिक को टाइम देंगे सेट होने के लिए तो आपकी ये जो लिपस्टिक है
वो बॉडी के अंदर जाने से रुक जाएगी, मींस कि आपको एकदम से लगा के कुछ भी खाना पीना नहीं है और अपने लिप्स को इसी तरह से रखना है थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ये जो लिपस्टिक है सेट हो जाए, जिससे कि आपकी जो लिपस्टिक है बॉडी के अंदर नहीं जाएगी। ये मैंने करके देखा है, सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी एक और बात है कि ये वाटर प्रूफ नहीं है और साथ ही फ्रेंड्स ये ट्रांसफर प्रूफ है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बस इस लिपस्टिक को सेट होने देना है, अगर आप इसे सेट होने नहीं देंगे तो ये आपकी ट्रांसफर होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हल्की सी ट्रांसफर हुई है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं हुई, और इसे अप्लाई किए हुए मुझे कम से कम 1 आवर हो चुका है। तो फ्रेंड्स हल्की सी ट्रांसफर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि अगर आप इस लिपस्टिक को सेट होने देंगे तो आपकी ये ट्रांसफर प्रूफ बन सकती है। मैंने इसके ऊपर कोई भी पाउडर अप्लाई नहीं किया, मैंने जस्ट इस लिपस्टिक को अप्लाई किया हुआ है, और इससे पहले मैंने लिप्स पे लिप बाम अप्लाई की थी। तो फ्रेंड्स इसके कुछ प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, तो मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो लिपस्टिक है, अगर आप कुछ लिक्विड लिक्विड पीते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो लिपस्टिक है वो हल्की हल्की फेड होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप कोई ऑयली चीज भी खाते हैं तो ये फेड होना शुरू हो जाती है। वैसे भी फ्रेंड्स आप कोई भी लिपस्टिक ले लीजिए, लिक्विड लिपस्टिक ले लीजिए, मैट ले लीजिए, अगर आप कुछ भी लिक्विड या ऑयली खाते पीते हैं तो फ्रेंड्स आपकी कोई भी लिपस्टिक हो वो ट्रांसफर होती ही होती है। मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं होती, धीरे धीरे वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि ये भी लिपस्टिक जो है वो हल्की हल्की से ट्रांसफर होती रहेगी जैसे ही आप कुछ खाते पीते रहेंगे। तो अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा जो लिप शेड है वो एज इट इज ही है, और आज इसे मैं पूरा दिन रखने वाली हूँ और रात को इंस्टाग्राम पे मैं इसकी पिक आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको इसकी एक चीज और बताना चाहूंगी कि इस लिपस्टिक की खासियत मुझे एक और अच्छी लगी कि ये अगर पाउडर फॉर्म में है तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो लिपस्टिक है वो कितनी बाकी रह गई है, बिकॉज ये जो पाउडर है आप देख सकते हैं इस तरह से आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो ये चीज भी मुझे इसकी काफी अच्छी लगी, और फ्रेंड्स इसका जो ये शेड है मुझे काफी पसंद आया है, तो इसे तो मैं पूरा फिनिश करने वाली हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मुझे इसका सब्स्टिट्यूट मिल जाए किसी और लिपस्टिक में, मुझे ये जो शेड है वो मिल जाए, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो अगर आपको इस लिपस्टिक के शेड्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं कहूंगी कि 499 रुपीज में ये जो लिपस्टिक है मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो आपके लिए। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी गिव अवे का आज का सेकेंड कोड, तो हमारा आज का सेकेंड कोड रहेगा एयर किस पाउडर लिपस्टिक। सो ये थी मेरी वीडियो आपके लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।